रतिया में घग्गर नदी का जलस्तर बढ़ने से परेशानी वहां पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। घग्गर नदी का जलस्तर लगभग 16 फीट से ऊपर इलाके के कई गांवों और खेतों तक पहुंच चुका है। ढाणियों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगह पर ले जाया जा रहा है। प्रशासन की लोगों से सावधानी बरतने और धैर्य रखने की अपील प्रशासन की तरफ से की गई है। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, जो तस्वीरें सामने आई हैं, घग्गर का जलस्तर बढ़ा और जलस्तर बढ़ने की वजह से कई गांवों में पानी पहुंचा, खेतों में पानी पहुंचा, खेतों में फसलें जलमग्न हो गई। और ये तस्वीरें आप देख करके अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह की स्थिति है। बाढ़ यहां पर भी घग्गर में उफान की वजह से आई हुई है। रवि गोयल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। रवि, क्या कुछ ताजा जानकारी फिलहाल, किस तरह के हालात, घग्गर का जलस्तर लगातार बढ़ रहा? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि जो घग्गर का जल स्तर है जिससे कि क्षेत्रवासियों को काफी परेशानियों लग रही है, वहीं आपको बता दें घग्गर का जो जल स्तर है 16 फीट से ऊपर हो चुका है। और वहीं रतिया क्षेत्र के लगभग 8 से 10 गांवों में जो किसानों की फसलें हैं वो काफी उनका नुकसान हुआ है, प्रभावित हुए हैं। और वही प्रशासन अमला भी मौके पर पहुंच रहा है और ढाणियों में जो लोग रह रहे हैं उन्हें आश्वासन दे रहा है कि आप किसी भी तरह से घबराए नहीं, प्रशासन आपके साथ है, आपका सहयोग करेगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो घग्गर नदी का जलस्तर लगभग 16 फीट के ऊपर वहाँ पर पहुँचा हुआ है, अलग अलग जगहों पर पानी, और इसी वजह से खेत में भी पानी ही पानी दिखाई दे रहा है, जलमग्न दिखाई दे रहे हैं खेत। तो वहीं कुछ ग्रामीण क्षेत्र भी ऐसे हैं जहाँ पर बाढ़ का पानी पहुँच रहा है, जिससे परेशानी लोगों की बढ़ रही है। और इसी को देखते हुए प्रशासन की तरफ से ये अपील की गई है सभी आसपास के लोगों से, धैर्य रखें, सावधानी बरतें, इस तरह की अपील की जा रही है लगातार, ताकि पैनिक ना हो लोग और सावधानी से काम लें, सतर्कता से काम लें। प्रशासन की तरफ से लगातार लोगों से यही अपील की जा रही है कि नदी के आसपास ना जाएं, और जिन क्षेत्रों में बाढ़ आ चुकी है वहां पर भी धैर्य रखने के लिए लोगों से कहा जा रहा है, अपील की जा रही है लगातार, ताकि लोग पैनिक ना हो और घबराएं ना। मुसीबत के समय में प्रशासन की तरफ से हालांकि मदद भी की जा रही है, लोगों तक मदद पहुंचाने की बात भी कही जा रही है, लेकिन लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जलस्तर लगातार बढ़ा और जलस्तर बढ़ने की वजह से जो आसपास के खेत हैं वहां पर पानी पहुंचा घग्गर नदी का, जिससे खेत में पानी ही पानी नज़र आ रहा है, खेतों में भरा हुआ। और जो आसपास के गाँव हैं वहाँ पर भी पानी पहुँचा, आसपास के गाँव में जैसे ही पानी पहुँचा तो लोगों में परेशानी वहाँ पर बढ़ी। बाढ़ का पानी पहुंचने से वहां पर परेशानी जो है वो लोगों की बढ़ रही है। अलग अलग जगहों पर इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। प्रदेश के 13 जिले ऐसे हैं जहां पर बाढ़ का पानी पहुंचा है और सैकड़ों की संख्या में गांव प्रभावित हुए, गांव के गांव डूब गए। और इसी तरह की तस्वीरें ये रतिया की हैं जहाँ पर पानी पहुँचा घग्गर नदी का, और ढाणियों में जो लोग रहते हैं, जो खेत में ढाणी बना करके रह लेते हैं, उनको भी वहाँ से सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया जा रहा है।